हम आज करंट अफेयर्स स्पेशल सेशंस लेकर आए हैं सब लोगों के लिए, सभी को मेरा जय हिंद, सभी प्यारे बच्चों को। और ये जो करंट अफेयर्स है, सब टारगेटेड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने इनको बनाया है, ठीक है। ये सारी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और जरूर करें, कमेंट करें, ठीक है। सब बढ़िया और माहौल है, तो हम ज्यादा वेट ना करते हुए क्वेश्चन सीरीज आज थोड़े से मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा समय का अभाव हो गया, ठीक है। लेकिन आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। देखो ये जो क्वेश्चंस है, अभी फिलहाल में जो दो चार महीनों के इंसिडेंट हुए उन चीजों को लेकर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है ना। तो मैं ये भी लेकर आऊंगा कि पिछले अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक जो मार्च तक के आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि फरवरी तक, तो वो भी मैं आपको इस सीरीज में प्रोवाइड करवाऊंगा कि एक महीने के, अगर हम एक मंथ के अगर 50-60 क्वेश्चन अगर लेंगे तो कम से कम आपके 200-300 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो और ये करंट अफेयर्स में याद रखना, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन आते हैं, ईजी है, बहुत कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है, और आप आसानी से क्वेश्चन कर देगा। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं, हम पहला क्वेश्चन यहां पर लेकर आते हैं, ठीक है ना। और ब्लैक क्यों दिख रहा, थोड़ा थोड़ा चेहरा उसको, अंकित को बोला है ना भाई, हम तो गोरे हैं यार। चलो आज का क्वेश्चन जो पहला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ आयुष्मान भारत। देखो आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता है कि सेवा है ये, और जिसको स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये यहाँ है फोकस, ठीक है। आयुष्मान भारत कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एक सेवा है, यानी एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। इसका सीईओ जो एग्जीक्यूटिव होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है कोई ना कोई, जैसे नीति आयोग के सीईओ होते हैं, ठीक है। और इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है देश में, तो इसका अभी फेब में ही ये अपॉइंट हुए हैं। तो कौन है वो, वीके सिन्हा है, अमित कुमार शर्मा है, आरएस शर्मा है, अभी एन त्रिपाठी साहब है, ठीक है ना। देखो ये जो व्यक्ति है, मैं एक बार बता देता हूं, ये ट्राई के पहले चेयरमैन रह चुके हैं, ट्राई इन इंडियन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसके भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये रह चुके हैं। इसके पहले इंदु भूषण हुआ करते थे, ठीक है ना। और इस पोजीशन पर अभी फिलहाल जो है आपके आंसर हमें वीके सिन्हा, अधिकतर बच्चों के ए प्राप्त हुए हैं, तो बच्चों आपका आंसर जो है वो गलत है। इसका सही आंसर क्या है, सी, आर ए शर्मा साहब जो हैं वो इसके क्या है, चेयरमैन है अभी, ठीक है ना। तो ये आर ए शर्मा साहब अभी इसके चेयरमैन चुने गए हैं, ठीक है ना। और विशाल सिंह ने तो एबीसीडी सब कर दिया बेटा, ऐसा एग्जाम में मत कर देना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में अपना एबीसीडी हो जाएगा उधर, ठीक है। कौन है, अभी रुक जा, लेक्चर हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु हैज स्वॉन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। याद रखना जो एसीसी होती है उसका नए प्रेसिडेंट बने हैं अभी, कौन है वो जिनको एसीसी का न्यू प्रेसिडेंट चुना है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट अगर देना चाहूं तो आप सही आंसर दे देंगे उसका, कोई बड़ी बात नहीं है। सनत जयसूर्य आप लगा रहे हैं, और कुछ बच्चे डीबी इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सीबी सनत जयसूर्य तो ये श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर तो ये थोड़ी है, आप आंसर दे रहे हैं। देखो इसका मैं आपको हिंट देता हूं, आप सब आंसर दे देंगे, ये भारत के होम मिनिस्टर के बेटे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ये जय शाह है ना, ये मोटा भाई के बेटे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के ये सुपुत्र है, जो एसीसी के भी अभी क्या है, प्रेसिडेंट है, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना। अब बीसीसीआई के अगर प्रेसिडेंट पूछ लिया तो वो कौन है, यहाँ है नहीं, सौरव दादा है उसमें, है ना, सौरव गांगुली है, ठीक है ना। तो
तो वो बीसीसीआई के चेयरमैन है और जो सेक्रेटरी होता है जिसके पास सारी चीजें होती है, सारा कह सकते कि जो पावर होता है वो जय शाह है, ठीक है ना। और पहले अनुराग ठाकुर हुआ करते थे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, फिर चेयरमैन भी बने अनुराग ठाकुर, अभी एनडीए गवर्नमेंट सॉरी बीजेपी गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री है वो, ठीक है ना। तो इसमें सरकार का दखल अंदाज होता है, ये याद रखना आप, है ना। जिसकी सरकार होती है उनके सचिव भी बनते, ये बात तो तय होती है। वीडियो ब्लर हो रहा है भाई, ठीक है क्या वो? ये नहीं हुआ था बीच में, सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब नहीं होगा बेटा। इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? देखो, जेंडर पार्क जो सेटअप किया गया था, इन चीजों को ध्यान में रख के वो सेटअप किया गया था कि भारत में जो जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है ना, वो खत्म हो जाए। इसमें अधिकतर जो है, जय हिंद बेटा, और अधिकतर जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर इक्वलिटी देने के लिए ये सब कुछ किया गया था, ठीक है। तो ये गुड़गांव में है, कोझिकोड़े में है, नागपुर में, शिमला में, बताइए ये सिटियों के नाम है। सुमित चौधरी का आंसर आ गया कोझिकोड, बिल्कुल सही आंसर, केरल का एक शहर है, ठीक है ना, कोझिकोड, जहां पर ये एस्टेब्लिश हुआ है। आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। ये इंडिया का पहला जेंडर पार्क है। इसकी शुरुआत तो प्रणब मुखर्जी ने की थी, याद रखना। इसकी नींव किसने रखी? देश के पूर्व प्रधानमंत्री सॉरी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दाने 2012-13 में नींव रखी थी, लेकिन बनकर अभी तैयार हुआ है। तो ये देश का पहला जेंडर पार्क है। यहाँ पर सारी सुविधाएं अधिकतर जितनी भी मिलती है सब महिलाओं के पास होती है ना। तो ये देश में जो जेंडर इक्वलिटी के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो ये कोझिकोड जो केरल का एक शहर है, वहां पर एस्टेब्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन ईयर ऑफ द एनवायरमेंट पार्टनरशिप विथ विच कंट्री फॉर द ईयर 2021? देखो, इंडिया ने एनवायरमेंट पार्टनरशिप, इसको ईयर ऑफ द एनवायरमेंट कहा जाता है। ये पार्टनरशिप एक देश के साथ साइन किया भारत ने, जो एनवायरमेंट को लेकर काम करेंगे और अपने यहाँ जो कार्बन है उसको कम करेंगे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा भारत ने किसके साथ किया है? रशिया है, फ्रांस है, जापान है या जर्मनी है? देखो, एक हिंट में देता हूं हम, अब आप आंसर आपके दे दो, फिर मैं हिंट देता हूं। हमने वहां से राफेल मंगवाए, ठीक है ना, अब आंसर दे दो आप। अब हमने राफेल मंगवाए मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि कौन है? फ्रांस, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है आपका? फ्रांस है भाई। उनके साथ 2021 की जो हमने एनवायरमेंट पार्टनरशिप है, इंग ईयर ऑफ द एनवायरमेंट, वो इनके साथ हमने साइन किया है, ठीक है। ये राज शर्मा तुम में से ही कोई? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप सीड फंड स्कीम, जिसको SIFS कहा जाता है, ये इसकी वैलिडिटी कितने दिन के लिए रखी उन्होंने, ठीक है ना, 3 ईयर है, 2 ईयर है, 10 ईयर है, 5 ईयर, ठीक है ना। देखो, कोई भी स्टार्टअप होता है तो ये किसके लिए? सीड फंड है। सीड फंड जानते हैं आप, बीज को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जो बीज होता है उसके फंड है ये। तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन रखी गई है? बच्चों के आंसर DCC, अधिकतर बच्चों के आंसर है इसकी वैलिडिटी। देखो, यहां थोड़ा सा ऑप्शन ABDC हो गया है, तो आपको जो है ना सी आंसर इस चीज को ध्यान में रख के वो देना है, क्योंकि ये 5 ईयर है। कितना है? 5 ईयर है, याद रखना। क्या है? 5 ईयर, 5 सालों तक की वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी डिसाइड की है, ठीक है। आंसर आपका सी रहेगा। उसके बाद ये नाम है गोसिप्पे कॉन्तेज, रिसेंटली रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? वहां पर उस देश में बहुत विवाद था और उसके बाद उन्होंने वहां से अपने पद से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनके 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 कार्यकाल में उनके प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उस देश में 85,000 लोग कोरोना के कारण मर गए थे, या वो लोग कोरोना के समय अच्छी कुछ सुविधा नहीं कर पाए। ये इंसिडेंट किस देश का है? मैक्सिको है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, बताइए।
कहां का इंसिडेंट है ये? ये 2018 में वहां के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, बहुत जाने माने जुरिस्ट है और बड़े फेमस व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये कहां गए हैं? गोसेप्पे कोंते इटली के प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने रिजाइन किया है। आंसर क्या है आपका? डी आपका आंसर रहेगा, यानी कि इस बिहार पर डी, ठीक है ना, इटली है। तो ये थोड़े से क्या है, आप ए बी सी है, आप इनको ए बी सी के आधार पर रखना है, और जमाने के समय थोड़ा सा इनमें फिर बदल हो गया था, तो ए बी सी डी है ना, उसको थोड़ा सा बी ए ऊपर हो गया हो, तो आप जो यहां सामने दिख रहा उसी के आधार पर आप आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रबल ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ द रिपब्लिक परेड 2021। ये तो बहुत ही विहंगम दृश्य था, राष्ट्रपति भवन जो आरडीसी परेड जब हुई थी उस समय, रिपब्लिक डे परेड, और टेबलू का मतलब होता है झांकी होता है भाई, हिंदी वाले ध्यान रखे या इंग्लिश वाले भी। तो किसको सबसे अच्छी जो है झांकी माना गया और उसको फर्स्ट प्राइज मिला था? याद रखना, देश के सबसे विहंगम दृश्य उस दिन देखने को मिला जब देश की सारी सरकारें उस दृश्य को देखकर खड़े हुई थी। तो आपके आंसर बिल्कुल, आपकी सोच, आपकी समझदारी से बिल्कुल सही आ रहे हैं। यूपी की वो झांकी थी, और झांकी बनी हुई किस पे थी? राम मंदिर पर, ठीक है ना। देश का आधार स्तंभ, देश के आधारभूत प्राण, श्री राम के भव्य मंदिर को आधार बनाकर ये जो है यूपी गवर्नमेंट ने अपनी झांकी को बनाया था, ठीक है, और इसी भी आप पर गवर्नमेंट ने उनको फर्स्ट प्राइज दिया था, ठीक है। तो हमेशा झांकियों को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस बार जो है वो प्राइज किसको मिला? यूपी की झांकियों को मिला, और राम मंदिर के ऊपर वो झांकी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन द करप्शन प्रोटेक्शन इंडेक्स? देखो, ये सीपीआई जिसको कहते हैं, इसमें 2020 यानी कि जैसे कि अब नेक्स्ट आएगा वो 2022 में 2021 का आता है, ऐसे इंडेक्स आते हैं, और इस इंडेक्स पे पता लगता है कि आपके देश में कितना करप्शन है, कितनी डिमांड है, कितने लोग वहां पर है। बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हमें प्राप्त हो गए हैं, ठीक है ना। तो देखो कि अगर हम पूरे इसकी बात करें, हम तो 180 कंट्री पर रिसर्च हुआ, और कहते हैं कि सबसे नॉर्मल करप्शन दिन देशों में उनका नाम है डेनमार्क है, स्वीडन है ना, न्यूजीलैंड है, ये ऐसे कई देश है जहां पे करप्शन है ही नहीं। मतलब स्वीडन और इन देशों में तो प्राइम मिनिस्टर भी कभी आते तो बस साइकिल से ही जाते हैं नॉर्मल इंसानों की तरह। सबसे ज्यादा जो करप्शन है सोमालिया में है, अफगानिस्तान है, कई सारे अफ्रीकी देशों में। तो भारत की उसमें स्थिति कितनी थी भाई, जो 180 देशों में से हिंदुस्तान को 86, आंसर सी। हमारे यहां ना स्थिति ज्यादा खराब, ना स्थिति ठीक भी नहीं, 86 नंबर पर हम है कि हाँ भाई, हिंदुस्तान में बड़े लेवल पे करप्शन अभी कुछ समय रुक गया है, लेकिन छोटे लेवल पर लोगों को सरकारी कामों में पैसा देना पड़ता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश में अभी भी कितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी हमारी स्थिति अभी करप्शन को लेकर नहीं सुधरी है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन याद रखना 1995 में स्टेब्लिश हुआ था ये इंस्टीट्यूशन, और ये जर्मनी से स्विट्जरलैंड से रेगुलेट होता है। नेक्स्ट, काजा कलास हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पहली वहां की महिला प्रधानमंत्री है, याद रखना। नाम क्या है? काजा कलाश। अभी आपको बताना है कि किस देश के, एस्टोनिया है, लाटविया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये सब जितने भी देश है यूरोपियंस कंट्री है, लेकिन उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है, ठीक है ना। तो वो देश कौन सा है आपको याद यहां रखना, ए बी सी या डी। और ये 26 जनवरी को ही 2021 को ही ये बनी थी वहां पर। किसी बच्चों का डेनमार्क भी आ रहा है, फिनलैंड भी है, एस्टोनिया भी है। तो रवि फिटनेस ने आंसर सही दिया है। इसका सही आंसर क्या है? एस्टोनिया है, ए आंसर ही है। वहां की काजा क्लास पहली महिला कौन है? प्रधानमंत्री बनी है। रिसेंट में ऐसी चीजें भी आपसे नेशनल इंटरनेशनल में पूछी जाती है, कौन है?
इतना मारूंगा। Who has been appointed the new vice chief of army staff to replace incumbent vice chief lieutenant general S.K. Saini साहब को रिप्लेस इन्होंने जो किया है वो कौन है और उनको अभी वाइस चीफ आर्मी स्टाफ हमने बनाया है कौन? लखरूप सिंह घुमन, अरुण श्रीधर वैद्य, अनिल चौहान या चंडी प्रसाद मोहंते? बताइए। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी को रिप्लेस करके कौन अभी इस पद पे आए हैं? आंसर आपके बी, डी, डी आंसर जिन बच्चों का है वो सही आंसर है, चंडी प्रसाद मोहंते। याद रखना ये अभी नए क्या बने हैं, भारत के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, ठीक है ना? चांदी नहीं वही चंडी है वो। गवर्नमेंट हैज ओपन्ड न्यू ब्रांच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल जिसको NCLAT कहा जाता है विस सिटी में। भारत सरकार की कंपनी है जिन्होंने अपनी इस कंपनी को अपील ट्रिब्यूनल के लिए, जो कंपनी के मामले होते हैं याद रखना, उनके मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनता है कि भाई वहां कंपनी के मामले वहां पर एक कोर्ट की तरह सुलझाए जाते हैं। तो वो कहां पर स्टार्ट हुआ है, बेंच कहां पर स्टार्ट हुई है? जैसे कि कंजूरम फोरम होता है ऐसा ही इंस्टीट्यूशन, चेन्नई हैदराबाद है या विशाखापट्टनम है, बेंगलुरु है। तो जल्दी आप तुरंत आंसर दीजिए। आपके आंसर हमें ए मतलब डी सब प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना? सही आंसर किसका आएगा? तो आंसर जो है ये चेन्नई है बेटा, आप डी डी सब लगा रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या है? चेन्नई आएगा। यानी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। विच कंट्री है स्टॉप द कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज लॉ इंस्टीट्यूशन एक बड़ा फेमस ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूशन है। अब ये मैं याद मत रखना कि ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा इसमें। लॉ इंस्टीट्यूशन वहां का फेमस है जिन्हें एक रिपोर्ट जारी की कि उस देश ने कोरोना वायरस के समय बहुत अच्छा काम किया है, तो उस इंडेक्स में वो पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या रशिया है। तो आप ऑस्ट्रेलिया इस ध्यान में रहकर मत लगाना कि वो इंस्टीट्यूशन ऑस्ट्रेलिया का है इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। आप आपका आंसर अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर, अपनी विचारधाराओं को आधार बनाकर दीजिए। आपने जहां पढ़ा होगा आंसर हमें बिल्कुल सही प्राप्त हो रहा है सभी बच्चों के। न्यूजीलैंड वो देश है जिसने कोरोना वायरस को लेकर बहुत सेंसिटिव कदम उठाए और अपने देश में लोगों को बचाया। बीच में तो ऐसी स्थिति आ गई जब देश जूझ रहे थे वहां पर एक भी पेशेंट कोरोना का नहीं था, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे कदम उन लोगों ने उठाए। न्यूजीलैंड वो देश है, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है अभी, वहां पर एक लेडी है जो बहुत अच्छे से काम करती है। देखो इस क्वेश्चन को लेकर मैंने कुछ और नीचे भी इसके चीजों को डाला है, वहां हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं बड़ा करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन पहले इस क्वेश्चन का जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप दीजिए मुझे। हु हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 851 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हमेशा आयोजित होता है, जिसको IFFI कहते हैं, दुनिया की सारी पिक्चर, जैसे आपने सुना होगा कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल होता है, ऑस्कर होता है, ऐसे भारत ने भी अपना इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड स्टार्ट किया जिसमें विश्व के सारे अच्छी अच्छी मूवियों को लेकर आते हैं हम। तो उसमें किसको हमने इंडियन पर्सनलिटी ऑफ द अवार्ड दिया है? अभी मैं इसमें हिंट और देना चाहूंगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं वो आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि इनको अभी बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, बीजेपी में शामिल भी कर लिया है इनको, ठीक है ना? तो बिस्वजीत चटर्जी है, विश्वदा है, माला सिन्हा है, तरुण मजुमदार है, सौमित्र चटर्जी है, बताइए आप।
तो बच्चों के आंसर ए हमें प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल आपके आंसर जो है बिल्कुल सही है। ये एक्टर डायरेक्टर और सिंगर भी है, कौन? विश्वजीत चटर्जी, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब जो मैंने नीचे आपको यहां पर दे रखा है इसको अच्छे से देखना आप, समझना कि ये जितने भी अवार्ड्स वगैरह है उसी फेस्टिवल से लिए गए हैं और पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से एक आएगा, इसलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये क्या करना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस 51 IFFI में मिला था, किसको? इनटू द डार्कनेस को मिला था, किसको मिला था? इनटू द डार्कनेस को मिला था। सिल्वर पीकॉक में बेस्ट डायरेक्टर को चेन नील को ये ताइवान इस फिल्म साइलेंट फॉरेस्ट के लिए मिला, याद रखना। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है? चेन नी को, कहां से? ताइवान से। बेस्ट एक्टर अवार्ड मेल में मिला तुजु चौन ली फिल्म साइलेंट फॉरेस्ट को ही मिला, उसमें बेस्ट एक्टर जो मेल अवार्ड है। बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में जोफिया स्टाफिश को मिला, जो पॉलिश फिल्म नेवर क्राई, पॉलिश मतलब पोलैंड की, नेवर क्राई एक मूवी थी उसके ऊपर इनको मिला था। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है खामिन खेलेव को मिला है। बेस्ट डेब्यू एक्टर मिला है वेलेंटीना बाई कोशित पेरिवा डॉस सैंटोस, ठीक है, इनके नाम है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है विंटोरिया स्ट्रोरो, विंटोरिया स्ट्रोरो एक अच्छे डायरेक्टर व्यक्ति भी है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। जूरी स्पेशल मेंशन कृपाल कालिता फॉर द फिल्म ब्रिज के लिए इनको मिला है, और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है 200 मीटर्स के लिए अमीन नायफेह को, याद रखना। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनेगा आपसे, कुछ भी बन सकता है, एक्टर बन सकता है, डायरेक्टर बनता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट बन सकता है, सिंगर, सिंगर तो नहीं है, मूवी बन सकता है, कोई सा भी, आपको याद रखना है ना। तो ये चीजें एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती है। नेक्स्ट, प्रसन्नता दोरा हु हैज पास्ड अवे was associated with which sports? ठीक है ना, अभी ये कुछ समय पहले इनका देहांत हुआ है, तो ये किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पर्सनैलिटी है ना, ये बहुत अच्छी जो है ट्रॉफी में भारत का नाम भी किया इनको, मैं ट्रॉफी का नाम बता दे, संतोष ट्रॉफी खेलते थे ये, मोहन बागान कलकत्ता क्रिकेट सॉरी क्लब की तरफ से खेलते थे, क्रिकेट तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो मोहन बागान किसका है? क्लब किस चीज के लिए जाना जाता है? मोहन बागान फुटबॉल के लिए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए होती है, याद रखना है ना। तो ये जो प्रसन्नता दोरा है ये फुटबॉल खेलते थे, जो अभी कुछ समय पहले ये उनका देहांत होगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ इंडिविजुअल हु हैज वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। भारत सरकार ने उनकी जन्मतिथि 23 जो जनवरी है उससे इस अवार्ड को देना स्टार्ट किया है। इसमें करीब 51 लाख रुपए इनाम है, इसको 5 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो किसको दिया? आदित्य बहादुर को दिया, कुमार मुन्नन सिंह को दिया, राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया, मनोज कुमार बिंदल को दिया है। तो आप बताइए इसमें क्या आपका आंसर रहेगा, क्योंकि अब बच्चों के आंसर हमें सी प्राप्त हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके जो आंसर है वो सही है, राजेंद्र कुमार भंडारी जी को ये पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 2020 में इस अवार्ड की शुरुआत की थी, 21 में ये उन्हीं की जन्मतिथि पर दिया गया। आपने देखा होगा इस कार्यक्रम को कोलकाता के जो विक्टोरिया मेमोरियल जो था वहां पर ही ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां पर ममता दीदी थोड़ी सी बिखर भी गई थी कि मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि तो लोग जय सिया राम का नारा लगा रहे थे। तो कुछ चीजें ऐसे भी याद हो जाती है। हु हैज बीन कन्फर्म्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 51 IFFI हेल्ड इन गोवा, अब बता दीजिए, वही क्वेश्चन था मैंने बोला ना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 51 जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ उसमें से किसको मिला।
टियागो गोएट्स को मिला, लीची मेस्की को गिरा, विक्टोरिया स्ट्रो को गिरा, इमिनुल स्मोट्रे को मिला, बताइए। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है ना, विक्टोरिया स्टोरो को मिला है। और याद रखना है इटालियन सिनेमेटोग्राफर हैं, बड़े प्रसिद्ध नाम है इनका, और इन्हीं को ये बेस्ट जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हीं को गोवा में मिला है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? देखो ये इंडेक्स है, क्वेश्चन कोई बनता है जरूर, हंगर इंडेक्स, कोई ना कोई इंडेक्स आते रहते हैं, ठीक है। तो इस इंडेक्स में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? 14 है, 7 है, 26 है, 9 है? तो इसका आंसर 14 बच्चे दे रहे हैं, 26 भी दे रहे हैं, लेकिन सही आंसर नहीं दे रहे हैं, दुर्भाग्य, सही आंसर नहीं दे रहे हैं। एक ने दिया आकाश सिंह ने, वो भी गलती से दे दिया होगा, है ना, 7। हमारी जो रैंक आधार पर जुड़ी थी 16.67 हमें अंक प्राप्त हुए थे इसमें से, उस आधार पर हमारी रैंक कौन सी बनी थी, 7 इसमें रैंक आई थी, याद रखना। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें हम 7 नंबर पर हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट रिवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेस एयर स्ट्रीप? भारत का वो कौन सा राज्य है, ठीक है ना, जहां पर ये 2 एक्सप्रेस एयर स्ट्रीप बनाई गई है, और एयर स्ट्रीप का मतलब होता है कि हिंदुस्तान के फाइटर जेट, ठीक है ना, हिंदुस्तान के फाइटर जेट रोड पर भी उतर सकते हैं युद्ध कंडीशन में, अगर हमारे जो पोर्ट्स पर जगह ना हो तो, ठीक है ना। वो वेस्ट बंगाल है, वो गुजरात है, वो महाराष्ट्र है, वो यूपी है, बताइए भाई। समिध्या अमन ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे पहला नंबर स्वीडन का आता है बेटा, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड, इन लोगों का आता है। गुजरात भी दे रहे हैं बच्चे, अधिकतर ये दे रहे हैं, यूपी भी दे रहे हैं, याद रखना। अब मैं इसके आंसर में बता देता हूं नीचे, इसलिए मैंने छुपा दिया था। 1 एयर स्ट्रीप इज 1 लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे पे, पहले ही याद रखना, उस दिन फाइटर जेट उड़ाए गए थे जिस समय यूपी के सीएम अखिलेश यादव थे और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव का बर्थडे था उस दिन, 2002-3 मतलब 4 साल तो इन्हीं के हो गए, 5-6 साल पहले की बात है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 16 महीने में बनकर तैयार हुआ था, उस पर हिंदुस्तान का फाइटर जेट उतारा गया। उसके बाद दूसरा कौन है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो यूपी से निकलता है पूर्वांचल के लिए, याद रखना। ये शहर का नाम है यूपी, जहां के मुख्यमंत्री अभी कौन है, हाँ देश के सन्यासियों को जब तक हाथ में लेना पड़ता है समझ लो कुछ ना कुछ चेंज होता है देश। तो एयर स्ट्रीप एक्सप्रेस आर डिजाइनेटेड फैसिलिटी इमरजेंसी लैंडिंग इन द टेक ऑफ फाइटर प्लेन, याद रखना। ये फाइटर प्लेन के लिए कभी भी इमरजेंसी में, कि हमारे जैसे कि जो एयरक्राफ्ट है उनको अचानक कोई लैंडिंग करना पड़े और हमारे जो एयरपोर्ट है वो बिजी हो या वहां पर हम लैंडिंग नहीं करा सकते, तो हमने रोड को भी इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी या रोड भी इतने अच्छे बनवा दिए हिंदुस्तान में कि वहां हमारे फाइटर जेट आसानी से उतर सकते। तो आंसर क्या होगा, डी आपका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, याद रखना। Which state has launched the scheme Pankh Abhiyan for Girls Empowerment? Pankh Abhiyan चलाया है। अब इसका मैं अगर आपको हिंट दे दूं तो तुरंत आप दे दोगे। Pankh Abhiyan देखो गर्ल्स के लिए एम्पावरमेंट के लिए, और गर्ल्स के लिए हमेशा भांजियों के लिए कौन तैयार रहते हैं, मामा। तो मामा कहाँ के, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का अभियान है पंख, ठीक है, और इस अभियान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए इसमें एक फंड भी जारी किया, उन लोगों के लिए एम्पावरमेंट के लिए इसमें
सेल्फ डिफेंस लेकर बहुत सारी चीजें उनको आगे सिखाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं FDI। फॉर द रिपोर्ट UNCTAD, यूनाइटेड नेशन का जो आपका ट्रेड इंडेक्स होता है, जिसमें पर कैपिटल इनकम या FDI या इन चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता, तो कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा FDI अभी उनको प्राप्त हुआ, उस देश में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ 2020 में। इसकी एक हिंट आपको दे दूं तो आप आंसर बहुत जल्दी दे दोगे, लेकिन आंसर आपको ही देना है। बताइए, आपका यूनाइटेड स्टेट भी है, आपका डी भी है, तो अब आप सही आंसर दे दो, क्योंकि वहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनियों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं किया, तो कौन है? चाइना है, ठीक है ना, हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क चाइना, ठीक है ना। तो याद रखना, चाइना में FDI इन्वेस्टमेंट बहुत आया 2020। उसके बाद मार्को रेबेलो डिसूजा, ये डिसूजा आपको पता है कहां के होते हैं, has won the second term as the president of which country, दूसरी बार बने। आप कुछ मत याद रखो, ये नाम अगर याद कर लिया, जिन व्यक्तियों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है और उसमें डिसूजा पढ़ा है, वो आप बता देंगे डिसूजा कहां के लोग होते थे। कुछ बच्चे सही आंसर देंगे, ऑस्ट्रिया है, रोमानिया है, पुर्तगाल है, स्वीडन है, बिल्कुल जो आंसर पुर्तगाल लगा रहे हैं उनका आंसर वही वो ही सही होता है, याद रखना, ठीक है। तो कहां के हैं? पुर्तगाल, डिसूजा, ये वहीं से थे, मार्केलो रोबेलो डिसूजा, ठीक है ना, ये नाम उन्हीं के ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। आंसर आपका क्या है? सी है। विच स्टेट हैज लॉन्च द उद्यम सारथी ऐप, लॉन्च किया है उन्होंने, टू प्रोवाइड इंप्लॉयमेंट रिलेटेड डाटा फॉर यूथ, कितने बेरोजगार है कितने नहीं है। दूसरा, कब कब कौन सी नौकरी आने वाली है, तो राज्य सरकार का ये पे जिनको नए लोगों को जो युवा होते हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा इंप्लॉयमेंट रिलेटेड सारी जानकारी। तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, बताइए, ए बी या सी या डी? उड़ीसा आपके आंसर है, कुछ बच्चों के आंसर डी भी हैं, जिन बच्चों के आंसर डी हैं वो करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको एस ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसको क्या किया, लॉन्च किया है भाई। तो भाई 26 लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन लाइक जो है वो 22 है, तो चार कौन ऐसे मित्र है जिन्होंने लाइक नहीं दिया, एक तो मैं खुद हूं, चलो दे दिया, बाकी भी आप दे दो भाई। हाँ, ये ऐसी हुई ना बात, और दूसरे लोगों भी शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, अच्छे अच्छे हैं। विच टीम हैज वॉन द 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कौन सी टीम? इंडियन आर्मी, दिल्ली, लद्दाख, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। देखो, आपको यह भी याद रखना है कि आइस वाला मामला है, तो आइस जो होता है वो नॉर्दर्न इंडिया में, अब नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी ऐसी कमांड होती है जो वहीं पर रहती है हमेशा जी, ये आपको कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों के आंसर हमें डी प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपके, लद्दाख इसमें नहीं है बेटा, इसमें इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को, जिसको ITBP कहते हैं, उनको ये दिया गया है, ठीक है ना, मतलब ये जीत दिया गया, मतलब ये जीत गए उन्होंने 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी वो जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वी इयर्स 23rd January को मनाएंगे। इसको क्या नाम दिया है? शक्ति दिवस, आजाद दिवस, पराक्रम दिवस
यह सूर्य दिवस देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए बोला था कि नेताजी सुभाष चंद्र फ्यूरर ऑफ इंडिया का जो जन्म दिवस है हम इस याद में मनाएंगे, वो याद क्या है? सूर्य भी आप बोल रहे हैं, कोई पराक्रम भी बोल रहा है, आजाद दिवस कम नहीं बोल रहे और शक्ति दिवस भी नहीं बोल रहे, तो जो नहीं बोल रहे सही बात है, वो आंसर भी नहीं होगा, फिर जो बोल रहे वो होगा, लेकिन आंसर जो होगा वो यहां पर आपको थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है। ये सी है, आप इसको सी मान के, डी दिख रहा है लेकिन ये सी मानकर आप आंसर दीजिए इसको, ठीक है ना, गलती से हो गया। तो आप आंसर ए बी सी या डी में से कौन सा लगाएंगे? पराक्रम दिवस अधिकतर बच्चों का है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान को आजाद करवाया, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेम द नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू फॉर्मुलेट स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। देखो, नेशनल माइग्रेट जो सपोर्ट से पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, और इसमें यह था कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो और उन्हीं के लिए सारे प्रोग्राम होते। तो इसका नाम क्या है? सेवा शक्ति नाम है, श्रम शक्ति है, स्वर्ण शक्ति है, शिव शक्ति है। भाई ये जितने भी लोग हैं जो ट्राइबल अफेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? श्रम करते हैं अपना, क्या करते हैं? श्रम। तो इसका नाम क्या रख दिया? श्रम शक्ति इसका नाम रखा है ना। ऑप्शन क्या जाएंगे आपके? बी आपके आंसर जाएंगे, ठीक है ना, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नरेंद्र है चंचल, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, रिनोवेट। तो ये जो नरेंद्र चंचल है, ये किस चीज से संबंधित थे? ये भजन सिंगर हैं, अभी आपने पढ़ा था कुछ समय पहले, बहुत नाम भी चला था, स्पोर्ट्स पर्सन है, जर्नलिस्ट है, टेबल प्लेयर है। मैं हिंट आपको दूंगा, इसके पहले आप आंसर दे दो, फिर हिंट भी मैं दूंगा इस पर, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर आपके प्राप्त हो रहे। ये माँ शक्ति का जगरात्रा करने के लिए फेमस थे, है ना। आपने कई बार इनके भजन भी सुने होंगे कि मैं आया माँ भवानी, ऐसे बहुत इन्होंने गाए। इनका नाम क्या था? नरेंद्र चंचल था, भजन सिंगर थे, और खासकर माँ वैष्णो देवी के ऊपर इन्होंने कई सारे भजन गाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बीच में अभी फरवरी या जनवरी में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज वेरो, जिसका नाम है वेरो ब्रिज, हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? वेरो ब्रिज बहुत फेमस ब्रिज बना हिंदुस्तान ने, लॉन्गेस्ट ब्रिज इसको बनाया है, और कई जो हिंदुस्तान के जो, अब इसको मैं थोड़ा सा हिंट अगर दे दूं तो आप इसको पकड़ लोगे, इसलिए मैं वो हिंट नहीं दूंगा। बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रस्तों को जोड़ा गया, कई नदियों के ऊपर इसको बनाया गया। अब ये सब जगहों में ऐसा है, लद्दाख में भी ऐसा है, मेघालय में भी है, सिक्किम में भी, उत्तराखंड में भी है। आपके आंसर हमें डी प्राप्त हो रहा है, डी मतलब उत्तराखंड, लेकिन आंसर गलत है। मेघालय जिसने आंसर दिया है वो आंसर भी सही है, मतलब सही यही है, ठीक है ना। मेघालय आंसर क्या है आपका? सही है भाई, यहां पर ये बनाए, लद्दाख नहीं है भाई, उत्तराखंड भी नहीं है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडिया रेलवे हैज रिनेम्ड हावड़ा कालका मेल, जो ट्रेन है उसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया, सरदार एक्सप्रेस किया, आजाद एक्सप्रेस किया, बोस एक्सप्रेस किया। अब सब उन्हीं के नाम में है, सब उन्हीं से चलता है, लेकिन उनका नाम देश में नेताजी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस ट्रेन का नाम क्या किया गया? नेताजी एक्सप्रेस किया गया, ठीक है ना। तो अब जो सम्मान नेताजी को जो इतने दिनों में नहीं मिला, वो देश में अब मिलने वाला है, याद रखना।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश की सरकारों ने, पिछली सरकारों ने वो सम्मान नहीं दिया जो उनको शायद मिलना चाहिए था। अब जो भी सरकार इस देश में है वो उनको उतना उनका सम्मान या उनका हक इस देश में देकर रहेगी। तो ये जो हावड़ा कालका जो मेल ट्रेन थी या रेलवे है वहां का पूरा, उसका नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड द एक्स डेजर्ट नाइट 20। देखो ये मैंने बोला है कि एक क्वेश्चन जरूर आपको एक्सरसाइज से पूछा जाएगा, वो नेवल हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो। तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 विद द नेवीज ऑफ द विच कंट्री, किसके साथ ये ऑर्गेनाइज, सॉरी नेवीज ऑफ द कंट्रीज। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, रशिया, जापान, फ्रांस या सिंगापुर। बिल्कुल सही आंसर आपके हैं, क्योंकि ये आप याद ही कर लेना, ये हमेशा उन्हीं देशों के डेजर्ट नाइट फ्रांस के साथ ही हमेशा करता है ये 21, इसलिए क्योंकि 21 टाइम्स वो ये ऑर्गेनाइज की गई है ना। तो आपका आंसर सी है। सिद्धार्थ मोहंतेज रिसेंटली हैज बीन इलेक्टेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ विच कंपनी। ये सब गवर्नमेंट्स कंपनियां हैं जिनके डायरेक्टर इनको बनाया गया है। तो किसके डायरेक्टर बनाए गए, LIC, SBI, NHAI या RBI के? इसको RBI है, ये क्या है, ये आई इनका, इसने सीने छुड़ा लिया, इसको वापस दे दो, ये इसके पास नहीं है, ये आई इनका है, RBI। बिल्कुल सही आंसर अदिति राठौड़ का, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के MD सिद्धार्थ मोहंते को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग रिसेंटली मेजर स्टेट कैटेगरी। देखो जो टॉप आया है किसमें, इंडियन इनोवेशन में इंडेक्स, जब सबसे ज्यादा कुछ नया हुआ है, कुछ अच्छी चीज वहां पर हुई है, तो नीति आयोग ने ये डाटा जारी किया है। सबसे टॉप पर कौन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान या गुजरात? कहां पर ऐसा हुआ है, डी भी है, गुजरात भी है, कुछ बच्चे बी लगा रहे, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है, राजस्थान भी है। सही आंसर आपका होगा कर्नाटक, बेंगलुरु, वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत आया इस बार अभी, ठीक है ना, और वो कुछ नया करने में टॉप पर भी है। द नेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हु टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड January 26। आपको नाम बताना होगा, इनका नाम बहुत चला था, शिवांगी है, भावना कांते, मोना सिंह जिटरवाल है, अवनी चतुर्वेदी, ये सब अपनी अपनी जगह फेमस है, और सबका नाम हिंदुस्तान में बड़े सम्मान से लिया जाता है। ठीक है ना, ये इन चीजों में बड़ी फेमस रही। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो मोहना सिंह जटरवाल भी रही, लेकिन आपसे वो पहले वाले में थी या नहीं थी। 26 जनवरी 2021 को कौन दे, आपके आंसर बिल्कुल सही प्राप्त हो रहे हैं, किसी का अवनी चतुर्वेदी वो नहीं है, याद रखना। इसका आंसर क्या है, बी है, भावना कांत, बहुत चले से इंटरव्यू भी उस समय लिए गए थे इनके, कि जो है कि ये पहली महिला वुमेन फाइटर पायलट है जिन्होंने रिपब्लिक डे पे क्या लिया, हिस्सा लिया था। ठीक है, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, याद रखना, देश ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसको स्वास्थ्य विभाग कहते थे, अब वो आयुष मंत्रालय हुआ है। तो ये एडिशनल चार्ज किसको दिया गया, जितेंद्र सिंह को दिया, सबर्नन सोनवाल को दिया, पहला सिंह पटेल को दिया है, किरण रिजिजू साहब को दिया गया, बताइए। ये देश के बड़े बड़े नाम है। देखो जितेंद्र सिंह तो, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल PMO खुद देखते हैं, सबर्नन सोनोवाल ये असम के CM हैं, पहला सिंह पटेल अभी देश में कोई सा मंत्रालय इनके पास है, किरण रिजिजू फॉर्मर
होम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन अभी इनको क्या दिया गया है, ठीक है ना, एडिशनल चार्ज दिया गया आयुष मंत्रालय का, ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेम ऑफ द बाइक बेस कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल लॉन्च बाय डीआरडीओ फॉर सीआरपीएफ, कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, ये कभी नहीं रुकेगी, ठीक है ना, कि आप छोटा वाहन है, बाइक बेस जिसको कहा जाता है, सारी सुविधाओं से लेस बनाए सीआरपीएफ के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर रीजन के लिए, दंगों में कुछ हो जाए उनके लिए, तो इसका नाम क्या लगा, लक्ष्य सारथी है, रक्षिता है, विमान है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो अधिकतर आप सारथी लगाएंगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत है, धर्मो रक्षति रक्षिता, सी इसका आंसर है, क्या आंसर है, सी इसका आंसर है, ठीक है, तो रक्षिता इसको मिला है। चलो नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड, है ना, मनोहर परिकर जी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, आप जानते हैं मनोहर परिकर देश का बहुत बड़ा नाम, हमारे पूर्व देश के रक्षा मंत्री, जिनकी जिन्हीं के समय में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत कुछ किया इनके समय में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के इनके ऊपर एक बुक लिखी, किसने लिखा, राजेंद्र अरलेकर ने, सुरेंद्र सिरसाथ ने, राजेंद्र पंडनेकर ने, वमन सुभा प्रभु ने, आंसर आपका हमें मिल रहा है, बिल्कुल आपके आंसर हमें सही सही प्राप्त हो रहे हैं, आंसर इसका क्या है, डीए, वामन सभा प्रभु इसका सही आंसर है, ठीक है, तो डी आपका आंसर है। ये क्वेश्चन यहां है और ये नीचे थोड़ा चला गया है, तो नेम द जू विच द रिसेंटली बिन रिनेम्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर बाला साहब ठाकरे, तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर इसको रखा गया है, उस जू का नाम क्या, सिद्धार्थ गार्डन एंड जू था, वीर माता जीजाबाई भोंसले उद्यान एंड जू था, गोरेगांव इंटरनेशनल जू है, महाराज बाग जू है, जिसका नाम बाला साहब के नाम पर रखा गया है। तो आप जानते हैं किसी का नाम पहले से हो तो उसको बदलना आसान होता है, सिद्धार्थ जो है वो नहीं बदल सकते, जीजाबाई क्योंकि शिवाजी की माँ, ये भी नहीं बदल सकते, महाराजा बाग ये भी नहीं बदल सकते, तो एक नाम है जो बदल सकते हैं, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ठीक है ना, इसको बदलकर उन्होंने बाला साहब के नाम पर, है ना, महाराष्ट्र के जो एक बहुत प्रभुत्व व्यक्तित्व रहे, इनके नाम पर ही रखा गया, ठीक है, पूरी स्लाइड गड़बड़ हो गई, चलो ये थोड़ी सी स्लाइड यहां पर है, आप थोड़ा सा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू एंटर इनटू डील विथ विच कंट्री टू प्रोवाइड मिक एमआईजी 21 एंड 12 सुखोई 30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, ये जो है, ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, हम आपको ये बताना है कि किस देश के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा समझौता है कि उस देश से हम इनको लेते हैं, और इसमें आगे भी हमें ये बात की गई है कि इसमें प्रोवाइड करने की बात भी हुई है, कौन सा देश है, रूस, बिल्कुल सही आंसर है, हम किससे लेते हैं, रशिया से ये लेते हैं, ठीक है ना, तो ये सुखोई मिग 21 और जिसको सुखोई 30 एमकेआई भी कहते हैं, ये सब हम रशिया से लेते हैं, आंसर आपका सी होगा। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द पद्म अवार्ड विनर वी शांता हु हैज पास्ड अवे, जिनको पद्म अवार्ड भी दिया गया है, वी शांता, वो पास अवे किस चीज से संबंधित, कार्डियोलॉजिस्ट थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, गायनोलॉजिस्ट थे, इंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े डॉक्टरों के नाम है, लेकिन ये कौन से लॉजिस्ट थे, आपका सही आंसर
मतलब आपका आंसर सही, आपने आंसर ए सी दिया है। अलग अलग लॉजिस्ट है यहां पर, जिसको जो नाम सपोर्ट कर रहा है, जो पढ़ने में आसान लग रहा है, आप उसको आंसर देने में भी थोड़े इजी मानते हैं, इसलिए जो टफ है वही आंसर है। कौन? डी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ये इनका नाम, मतलब ये इसी प्रोफेशन में थे। अब ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं कि ये कौन सी उस चीज पर काम करते हैं, ठीक है। विच वॉज ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कलरव एज द नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी, वहां की बर्ड सेंचुरी का नाम है जहां पर ये बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। कहां पर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है ना, बड़ा फेमस फेस्टिवल ये रहा। तो कौन सी जगह है जहां पर ये हुआ था, ठीक है। 39 ठीक है, ए बी सी या डी, कहां पर? ए आपके आंसर गुजरात, आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार गए थे, वो अलग है भाई, वो अलग है, आप आंसर वो मत देना, गुजरात में उन्होंने तोता बिठा, वो बैठा नहीं साला, बाद में उसको देश के बाहर निकाल दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये आंसर आपका बिहार, कहां पर है? बिहार में ये बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। नेम द प्लेयर टू क्लिंच विमेन सिंगल टाइटल यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, ये किसको मिला है? ताई जिंगयिंग को, पीवी सिंधु को, नोजोमी ओकारा को, कार्लिना मारिन को। अब आप आंसर, इसमें पीवी सिंधु भारत की है तो भारत आंसर लगाओगे, लेकिन वो गलत होगा, मतलब है ना। तो कौन है वो? आंसर आपका क्या होगा इस चीज पर, ठीक है, यहां पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर डी है, कैरोलिना मारिन, बिल्कुल सही आंसर है। कैरोलिना मारिन ने इसको वुमेन सिंगल टाइटल यूनेक्स थाईलैंड ओपन जो ओपन सुपर सीरीज हुई उसको जीत लिया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट यूथ फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विच प्लेस। देखो खेलो इंडिया विंटर है, आइस बर्फ पे इन पे सारे कार्यक्रम होते हैं, सिक्किम, लद्दाख, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। कहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया? तो आप आंसर इसका सही दे देंगे कि बर्फबारी कहां होती है भाई, बिल्कुल सही, लद्दाख है ना, वहीं पर तो ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन कोरोना काल कारण उनको टूरिस्ट कम मिले, इस बार बीच में आया भी था कि फेस्टिवल इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। नेम ऑफ द विनर ऑफ द यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर, फिर आ गया है बैडमिंटन, मेन सिंगल पूछा है, चलो आपसे, यहां वहां पर फीमेल है, यहां पर क्या है मेल पूछा। तो एंड्री एंटोन्स पूछा है, कैंटोना मोमोता पूछा है, विक्टर एक्सलेन है, सिंग युंग है, कौन है जिनको ये अवार्ड्स दिया, मतलब ये इन्होंने सीरीज मेल में जीती है। ए है, बी है, सी है या डी है? ठीक है, आपका आंसर जो है, अलग अलग आंसर आपके प्राप्त हो रहे हैं हमें। ठीक है, इसमें आंसर आपका क्या रहेगा? सी, विक्टर एक्सलेसेन को ये ट्रॉफी उन्होंने जीता था। कैनो मोमोटो पिछली बार जीते थे, इस बार नहीं जीते। तो मेन सिंगल थाईलैंड ओपन स्पोर्ट में ऑप्शन आपका क्या रहेगा? विक्टर एक्सलेसेन, ठीक है ना, ऑप्शन सी। विच स्टेट हैज
unveiled the on schools on IAS program to provide free coaching for UPSC civil services IAS exam for economic poor meritorious students. जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री उस राज्य के द्वारा करवाई जाएगी. ये सुविधा किस राज्य ने स्टार्ट किया है जिसका नाम है वन स्कूल ऑन आईएएस. वन आईएएस, एक स्कूल से एक आईएएस निकलना चाहिए. किस गवर्नमेंट ने ये डिसीजन? आंध्र प्रदेश है, केरला है, राजस्थान है, यूपी है, ठीक है. ये किस गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन किया है? देखो आईएएस के लिए आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यूपी बिहार से निकलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वहां की सरकार ही ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि वहां से तो ऑलरेडी आईएएस निकल रहे हैं, ठीक है. तो फिर कौन करेगा ऐसा? ठीक है, जहां से सबसे कम आईएएस प्राप्त हो रहे हैं वो स्टेट करेगा. कौन है? केरला है, वो वहां से कम लोग प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है. तो केरला ने डिसीजन लिया कि एक स्कूल से आईएएस होना चाहिए. Which ministry has organized the month-long mass awareness campaign titled Saksham? क्या नाम दिया गया? Saksham इसका नाम दिया गया, ठीक है ना. तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ये सी है आपका, है ना, याद रखना. और डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट. लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन सक्षम किस देश के मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया है? ठीक है, तो ये सक्षम ऑर्गेनाइज हुआ है लॉन्ग मास अवेयरनेस. लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक बने, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है लेकिन शांत रहे. किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको लॉन्च किया था. नेक्स्ट, नेम ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021 का प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? कैथरीना वेस पिंटो को, फिलिपो ग्रैंडी को, सदरुद्दीन आगा खान को, नहात शमीन खान. कौन है इसमें जिनको ये अपॉइंट मिला है? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल्स में जिन देशों में स्थिति खराब होती है वहां के लोगों को लिया जाता है. नजत शमीन खान ईरान या इराक से इनको लिया गया है, ठीक है ना. अभी इस पद पर या इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं. इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी आपसे जरूर पूछे जाएंगे. नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट सीवर इंडिजेनियसली डेवलपमेंट 9mm मशीन पिस्टल्स बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी. नाम क्या रखा है? निर्वाण, तनिष्क, भीम या अश्विन, ठीक है ना. ये जितने भी नाम होते हैं हमारे प्राचीन चीजों के ऊपर लिए जाते हैं, ठीक है ना. तो निर्वाण जो वो होता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तनिष्क नाम ही होता है, भीम भी नाम है, लेकिन भीम अगर टिंक होता तो अच्छी बात थी. तो यहां पिस्टल है और उसका नाम रखा अश्मी. अश्मी का मतलब हो तेज और खतरनाक, ठीक है. तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? डी आएगा, अश्मी उसका नाम रखा गया, ठीक है. नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवेल्ड द इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार फॉर विच सिटी. भाई कहां चलती है? बेंगलुरु में, कोलकाता में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, कहां चलती है बिना ड्राइवर के? देखो दिल्ली में मेट्रो चलती है लेकिन वहां पे केजरीवाल है तो चलने नहीं देंगे. बेंगलुरु में चलती है लेकिन ड्राइवर लेस नहीं है. कोलकाता में चलती है लेकिन ममता दीदी वो नहीं चलने देती. तो फिर बचा क्या? मुंबई में. तो ये आंसर आपका सी है, मुंबई, जहां पर याद रखना ड्राइवरलेस मेट्रो, जो बिना ड्राइवर के ये कार यहां पर ऑर्गेनाइज हुई है और इसको इसका इनोग्रेशन जो है या इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने किया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद द विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के लिए. हमने उनसे समझौता किया कि सारी जानकारी वो हमें प्रदान करे, हम उनको प्रदान करें. जापान है, मलेशिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट है.
तो भारत का बड़ा प्राचीन मित्र भी है, सुभाष चंद्र बोस को सहायता भी इसी देश ने दी थी। तो आप आंसर अब सही दे ही दोगे, कौन सा देश है जिसकी सहायता से भारत को आजाद दिलाने में सुभाष चंद्र बोस को आजाद फौज की कमान उन्होंने सौंपी थी। कौन? जापान। जापान याद रहेगा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होता है हमेशा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। किसने अपनी जो बार काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष पद से, जो देश की सबसे बड़ी बार काउंसिल होती है, उससे इस्तीफा दिया? अशोक कुमार सेन है, दुष्यंत ए दवे है, राम जेठमलानी है, पौनी परमेश्वरम राव है। पीपी राव साहब का नाम बहुत बड़ा है देश में। राम मंदिर केस के लिए इन्होंने बहुत 92 उम्र में भी इन्होंने केस लड़ा। राम जेठमलानी कई बड़े बड़े केसों के लिए देश में जाने जाते हैं, जिन्होंने स्कैम घोटाला जो शेयर मार्केट का हुआ था उसमें भी थे। लेकिन क्या इसी का आंसर यही है या नहीं है, यह आंसर आपको तय करना है, ठीक है ना। अब ये मैंने दो आंसर बताया, इसका मतलब नहीं कि ये दो आंसर होंगे, ठीक है ना भाई। बार काउंसलिंग का अध्यक्ष जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। तो कौन है वो? दुष्यंत ए दवे। कौन है? ऑप्शन बी है, दुष्यंत ए दवे इसका सही आंसर है भाई, याद रखना, जिन्होंने बार काउंसिल से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज रिसेलिंग $20 million डील विद द आइडिया फोर्स टू बाय विच ऑफ द UAVs। ये क्या है? कंट्रोल है, स्विच है, की है, ये ट्रांजिशन है, खरीदने की बात कही है भाई। बड़ा रडार का काम भी करता है, बहुत इससे फायदा भी मिलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, की कर सकते हैं। अब चार ही ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? दिमाग दौड़ाओ। फोर्स टू बॉय विच UAV होता है, स्विच क्या होता है? स्विच होता है, जिसको हमने खरीदने की बात कही है ना। इसका आंसर क्या है? बी है। तो आज हमने करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस लिए हैं, कल फिर 50, परसों फिर 50, ऐसे हम 250, 300 या 400, 500 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के करेंगे, ठीक है ना। और आप सब बच्चों ऐसे ही रोज कंटिन्यू बने रहिए, आज थोड़े से हम लेट हो गए, बाकी दिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज सभी बच्चों को मेरा जैन, सब लोगों ने बढ़िया आंसर भी दिए, ऐसे पढ़ाई करते रहना, ठीक है। मैं सभी ग्रुप में PDF भी सेंड कर दूंगा, लेकिन इसके बाद, ठीक है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, कल फिर इसी वक्त इसी टाइम पे मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। अभी बैठ गया बेटा, मैं जा नहीं रहा हूँ।